तीन के बाद इस हंड्रेड डिग्री बात नहीं करो इसकी सबसे जरूरी नाउ दैट इज ये देखो पी आर दिस इज कॉल्ड और ये दिया गया है कि पी क्यू आर इट इज हंड्रेड डिग्री इतनी बात है अच्छा फाइंड ओ पी आर तो आपको ये एंगल पता करना है गिवन क्या है पी पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज हंड्रेड डिग्री टू फाइंड एंगल ओ पी आर सॉल्यूशन ये देखो ये तो बात हो गई है 100 डिग्री है सही है तो आप क्या कर सकते हो सर जो पी आर आर के वो उसमें 100 डिग्री करें तो सेंटर पे उसका डबल करेंगे डबल कर देंगे तो जैसे ये 100 है तो ये जो पी ओ आर का ये रिफ्लेक्स है बड़े एंगल को रिफ्लेक्स कहा जाता है सो दैट ये करेस्पॉन्डिंग है ये एक ही डायरेक्शन में तो है तो ये 100 है तो सेंट्रल पर का एंगल डबल होगा क्या तो ये कितना हो जाएगा पी रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इट इज टू टाइम्स एंगल पी क्यू आर इट इज टू टाइम्स 100 तो ये कितना हो गया 200 डिग्री ये कितना हो गया यदि वो 100 डिग्री है तो सेंट्रल पर बनने वाला एंगल कितना होगा 200 डिग्री तो इस आर्क ने एक एंगल सेंटर पर बनाया और इसी आर्क ने एक एंगल और कहाँ बनाया क्या बचे हुए पे बनाया तो सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होगा कि नहीं इस आर्क की वजह से द एंगल सबटेंडेड बाय सम आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो ये हो गया अब मुझे बताइए कि एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर ये कितना होगा दिस इज 360 डिग्री दैट इज कंप्लीट एंगल ये कंप्लीट एंगल है अब इसमें एंगल पी ओ आर प्लस 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री तो क्या हो जाएगा बताओ एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री 160 डिग्री ये एंगल अब कितना हो गया 160 डिग्री अब इसमें निष्का ये एंगल कैसे निकालेंगे आदित्य व्यूम आइसोसेलिस एंगल बन रहा है ये और ये इक्वल साइड्स हैं तो ये दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल तो इसलिए ट्रायंगल POR शीट कौन सा अभी टेस्ट नहीं हो रहा है आपका इसमें से दे दो ना एंगल POR ये तो लेट आती रोज ऐसे ही चलिए एंगल पी ओ आर इट इज आइसोसेलिस ट्रायंगल क्यों है क्योंकि ओपी इज इक्वल टू ओ आर ओपी किसके इक्वल है ओ आर तो आइसोसेलिस ट्रायंगल है अब जरा देखो इन दोनों एंगल्स को तुम क्या ले सकते हो एंगल ओपी के सामने का कौन सा एंगल है ओ आर पी और ओ आर के सामने का क्या है ओ पी आर तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है इन तीनों का सम क्या कर दो सो एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर और प्लस एंगल पी ओ आर इट इज 180 डिग्री सही है चलिए अगला स्टेप बताओ निष्का आप बताओ अर्चिता एक्स प्लस एक्स चेंज करते हैं दोनों में एक्स लिख लिया
एक्स प्लस बंद होगी, मुझे मालूम नहीं कंप्यूटर क्लास तो बंद ही होगी, फोन करके पता करिए। हाँ 180 डिग्री और माइनस 160 डिग्री, सो 2x कितना हो गया, तो x कितना हो गया 10 डिग्री। x किसे माना है, OPR। अब तुमने देख लिया ना, बहुत बड़ी बहुत बात होती, जैसी हो गए संगत वैसी चढ़े रंगत। वो लेट वाली के साथ आती है, वो रोज वही लेट होने लगी, कभी कितना फर्क पड़ जाता, थोड़े थोड़े में बहुत फर्क पड़ता है। तो हमेशा सही कोलीग चुनना चाहिए, नहीं तो मजबूरी में लद्दड़ होना पड़ता है। समझ आई, तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे देखो, वो रिकनसाइल ही करती रहती है आधी क्लास तक, नीचे खड़ी रहती है, मन से बात करती रहेगी, आएगी नहीं होता, यहाँ से क्या नहीं दिखता शीशे से, वो दोस्ती गाली निभा रही है। चलो ठीक है, पेज कॉपी किसी ने छीन ली होगी, फिर यहाँ बोल रहे कॉपी मेरी खत्म हो गई सर। अगला देखो, इस सवाल को दूसरी तरीके से भी कर सकते, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, दैट इज पी ओ आर, ये क्या है पी क्यू आर, ये 100 डिग्री है क्यों, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो, इसे लिखो पी एम आर, सही है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लो। तो अब इसमें ये 100 डिग्री है निष्का, तो ये एंगल कितना हुआ, बोलो हर्षिता, लक्षिता, 80। क्यों 80 हुआ सर, जो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180। करेक्ट, तुमने ठीक बताया, दैट इज 80 डिग्री। इतनी बात तुम्हें समझ में आई, सही है, ये 80 है, तो निष्का बोलो ये कितना है, यस, क्यों, क्योंकि इसका डबल ये हुआ, यहां तक समझ आई। अब इसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर लो इन दोनों को एक्स, ये दोनों एक्स एक्स क्यों हुए बताओ, आयुषी सर ये बात तुम्हें ये समझ में आ गई आयुषी, क्योंकि ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हुए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, तो इसके 100 होने से 80 हुआ। और जो आर्क होती है, कहीं पर कोई एंगल सब्टेंड करी हो सेंटर पर करी, तो सेंटर वाला डबल होता है, तो इसके 80 होने से ये कितना हुआ, और अभी अभी हर्षिता ने बताया कि इन दोनों को एक्स ले लिया जाए, सही है। तो दूसरे मेथड में क्या करना है बताइए, सोल्यूशन में ड्रॉ पी एम, ठीक है, टेक एनी पॉइंट एम ऑन अदर पार्ट ऑफ सर्कल, दैट इज ये मेजर, टेक एनी पॉइंट एम ऑन मेजर आर्क एंड जॉइन पी एम एंड आर एम, यहां तक की बात हो गई, सही है। तो ये मुझे बताओ विश्नोई कि पी एम आर प्लस पी क्यू आर इट इज इक्वल टू, वाई अपोजिट एंगल से अपन साइक्लिक को, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इससे पीएमआर, पीएमआर अभी हमें पता नहीं है, देखो पीएमआर प्लस 100 डिग्री इट इज 180 डिग्री, पीएमआर आ गया 180 माइनस 100 डिग्री, तो पीएमआर आ गया निष्का 80 डिग्री। आगे की बात क्या करेंगे, जस्मिता विश्नोई मान्या सर,
नो श्रेया बता रही बहुत अच्छी बात है पी ओ आर पी ओ आर निकाल जाएगा एंगल पी ओ आर इज टू टाइम्स एंगल पी एम आर दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इसको थ्योरम कौन सा 9.7 कहा था क्या चलो तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 80 डिग्री तो क्या ये 160 हो जाएगा फिर इसके बाद लिख देंगे कि OP is equal to OR so angle OPR is isosceles angle so angle OPR plus angle ORP प्लस एंगल पी ओ आर ये मिल के 180 डिग्री हो गया ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ और दोनों को ही ओपी आर लिख लो ऐसा तो किया जा सकता है ना ओपी आर एक्स ना मानो दोनों को ओपी आर ही लिख लो क्योंकि जो ये एंगल वही वो है प्लस पी ओ आर 160 डिग्री तो 2 टाइम्स ओपी आर It is 180 minus 160. So 2 times OPR. It is 20 degree. OPR is 10 degree. अगर दोनों मेथड समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखें. तो यहां पर दिया है ये 60 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री तो दैट इज ए बी ए सी और दूसरा है बी डी सी ये चीज है और यहां पर इसे 31 कहा है तो हम ए एंगल निकाल लें ए निकालो इन ट्रायंगल एबीसी तो एंगल ए प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इट इज 180 डिग्री हमें ये एंगल चाहिए ये निकालना तो दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी अर्पित वैल्यू प्लेस करो एंगल ए 69 डिग्री हाँ तो एंगल ए प्लस इतनी बात हो गई मानसी इसको जोड़ो 90 ठीक है नाउ इट इज 100 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री तो 180 माइनस 100 डिग्री तो एंगल ए कितना हो गया 80 डिग्री अगर मानसी एंगल ए 80 डिग्री है ये 80 डिग्री हो गया अब इसे कैसे निकालेंगे डी कैसे चलो हाँ बोलो सर वो भी 80 है क्योंकि एंगल सेम है ओके जो ये एंगल है क्योंकि इस आर्क की वजह से एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है तो इससे क्या पता चला एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल तो दैट इज एंगल डी इट इज इक्वल टू एंगल ए एंगल बीडीसी इट इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट तो बीडीसी इट इज इक्वल टू 80 डिग्री
अगला सवाल देखना। फिगर में दिया है ए बी सी डी आर द फोर पॉइंट ऑन सर्कल और चारों सर्कल पर ही है। ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसे ए बी सी और डी ये चार पॉइंट है ए बी सी और डी। अगर इन्हें मिलाएंगे तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे। मिलाया नहीं गया है लेकिन मिलाने से हो जाएगा। ये मिला दे तो हो जाएगा अभी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है अभी ये दो ट्रायंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन तो इसमें ये एंगल 130 दिया है ये एंगल 20 दिया है तो यहाँ तक की बात है। और आपसे पूछा जा रहा है बी ए सी। निखिल इसमें तुम डी कैसे निकालो जबकि ये ई है। निखिल बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी अभी तो नहीं लगा सकते कुछ। हाँ बोलो सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो क्योंकि इस एंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अदरवाइज लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। ये 130 ये कितना हुआ 50 50 20 70 तो ये कितना हुआ 110 तो ये कितना हुआ 110 सही है। तो वही हम लगा दे रहे हैं लीनियर पे। लीनियर पे तो लगा सकते हो ना। तो आप लिख दें एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू जस्मिता बताओ और जस्टिफाई करो बी ई सी और डी ई सी। वही आगे बताइए अब क्या करोगे एक्सटीरियर लगा निकाला एक्सटीरियर से लगाना चाहिए। अब तो आप एएसपी लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए तो इन ट्रायंगल डीईसी एंगल डीईसी प्लस एंगल ईडीसी प्लस एंगल डीसीई इट इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। निखिल वैल्यू प्लेस करो ईडीसी प्लस 20 डिग्री इट इज 180 डिग्री। So EDC plus 70 degree it is 180 degree. EBC it is 180 minus 70 degree. EDC it is 110 degree. इसी को तुम BDC भी कर सकते हो। आगे की चीज़ इसका बताएँगे। Angle BAC it is angle why it is so. Angles in same segment. तो एंगल बी ए सी कितना हो गया मानसी 110 डिग्री। अच्छा बता चलो BAC पता चल गया। सिक्स क्वेश्चन देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और क्या दिया है हूज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। DBC 70 है और BAC 30 है। फाइंड BCD
ओके चलिए क्वेश्चन में दिया है इनके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी डी देयर डायगोनल इंटरसेक्ट है डी और क्या दिया डी बी सी 70 है डी बी सी ये है 70 डी बी ए सी 30 है डी बी ए ये 30 डिग्री है और आपको पता करना है बीसीडी 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 ये पूरा एंगल पता करना है सही है तो अब मुझे बताओ मानसी यदि ये एंगल बीएसी 30 डिग्री है तो तुम्हारी नजर में और कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा एसीडी पलक आप बता दो बोलें मुझे डी ए अच्छी बात बताइए हाँ लक्षिता सर बीडीसी ये कह रही लक्षिता का कहना ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो इस आर्क के द्वारा यहाँ भी एंगल बनाया गया है यहाँ भी एंगल बनाया ये कह रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाई आर्क इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल तो इनकी बात सही लग रही कि भाई थोड़ी देर में इसे चाहे मिटा लो चाहे इसे डॉट सोच लो मन में तो ये 30 तो ये कितना हो गया 30 हो गया देखो इस चीज को जी हाँ अगर हम डीएसी पता कर लेते हैं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी से वो निकल जाएगा जैसे अगर हम डीएसी पता कर लें तो भी हो जाएगा अदरवाइज ये पता चल गया है अब लगाओ ये एसपी ये 30 हुआ तो 30 हो गया लगा दीजिए एसपी बात खत्म तो आप मुझे बताएं कि दैट इज एंगल BDC, it is angle BAC, that is angles in same segment. अगली लाइन कृपा बोलो कोई बात नहीं मान्य सर 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BDC. ठीक है एंगल BDC, it is इक्वल टू 30 डिग्री अगली लाइन बोलिए मान्य BCD plus angle DBC. It is 180 degree ASP. Yes, sir. Value fit करिए. Sir, angle BCD plus angle 30 degree plus 70 degree is equals to 180 degree. सही है. 70 degree is 180 degree. Yes, sir. So angle BCD plus 100 degree. It is 180 degree. Yes, sir. Angle BCD. It is 80 degree. ये 80 आ गया अभी बात पूरी नहीं है यदि AB अब ये कह रहा है आगे ये और ये इक्वल हो जाए फर्दर तो क्या ये आइसोसेलीस एंगल हो गया ठीक है तो आगे क्या गिवन है इफ AB इज इक्वल टू BC If AB is equal to BC, तो क्या होगा BAC किसके इक्वल हो जाएगा AB के सामने कौन पढ़ रहा है That is BCA. ये अब BC के साथ अब इसके अलावा BC के सामने कौन पढ़ रहा है BAC. That is angles opposite to equal sides. सही है तो अगली लाइन बताओ मानसी बोलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे अब हमें बीसीए निकाला जा सकता है बीसीए कितना होगा
क्योंकि BAC 30 है, BAC की वैल्यू रख दो. BCA it is 30 degrees, सही है? तो ये 30 हो गया. पूछा क्या जा रहा है? ECD, ECD ये पूछा गया है. तो ये कैसे निकाला है? पूरा तो हमें पता चली गया. और ये भी था, ये 30 हो गया क्योंकि इसके 30 होने से 30 हो गया. तो इसलिए एंगल BCE प्लस एंगल ECD इट इज 70 डिग्री. अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया क्यों? 80 डिग्री. दैट इज इट इज इक्वल्स टू एंगल BCD. ये पूरा एंगल कितना निकाला? अच्छा करो, पूरा हमने 80 निकाला है. तो बोलो BCD किनके किनके सम के इक्वल है? एक तो BCE और एक ECD. तो BCE मैं ऊपर निकाल चुका हूं, जो BCA है वही तो BCE भी है. दिस इज 30 डिग्री. ECD, ECD नहीं पता है. ECD दैट इज 80 डिग्री. तो ECD कितना हो गया? 80 माइनस 30 डिग्री. अगला देखिए. इसमें आपको बताया है ये ए बी सी डी, सही? और क्या क्या दिया बोलो, इनको मिला लो. दोनों डायगनल कहां इंटरसेक्ट करते हैं? बोथ द डायगनल इंटरसेक्ट एट ई. ये बताइए कि कौन कौन से एंगल दिए हैं? दिया है डी बी सी 70, डी बी सी ये 70 है, सही? और दूसरा कौन सा है? बी ए सी 30, बी ए सी ये 30 डिग्री है. ये बताओ ये 70 है तो और कौन सा एंगल 70 है? सी ए बी है, 70 है कि नहीं? क्योंकि इसे तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कुछ है, तो जो ये एंगल है वही तो ये भी है. ये कितना हो गया टोटल, कितना हुआ? इतनी बात सुनाई? ये 70 तो ये 70 मिला के कितना? और ये क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है. समझ गए? फिर से समझिए, ये 30 और ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये कितना हुआ? इस एंगल को देखो, अगर दो साइड्स इक्वल हैं और उसमें से एक 30 है तो ये कितना हुआ? अच्छा ये 30 बता दिया. अब पूरा कितना बता था याद आ रहा है थोड़ी देर पहले? तो ये कितना हुआ? फिर से करें. अब देखो दूसरा मेथड, जो दूसरा मेथड है वो जो पलक का मेथड है वो भी देख लो कि CBD किसके इक्वल है. इंद्रजीत, CBD किसके इक्वल है? CBD इक्वल है सर एंगल CAD. सही है, एंगल CAD एंड बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री. दैट इज एंगल सेम सेगमेंट. अच्छा इससे तुम्हें क्या पता चला? ये 70 तो ये 70, तो एंगल BAD पूरा बता दो मुझे. BAD किनके किनके सम के इक्वल है? BAC प्लस CAD, ठीक है? तो ये 30 और ये 70, 100 हो गया. अभी 100 हो गया. मुझे ये बताओ कि एंगल BAC प्लस एंगल बी सी डी कितना होगा? बी ए सी, बी ए डी और बी सी डी ये दोनों. अर्पित वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट, हाँ इट इज 180 डिग्री. वाई इट इज सो अपोजिट? सर वो बी ए सी होगा कि बी ए डी होगा? बी ए डी, BAD और BCD, सही है? BAD और BCD अपोजिट एंगल्स ऑफ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिसका एंगल की वैल्यू बताओ। आदित्य बोलो। 100 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी इट इज 180 डिग्री। एंगल बीसीडी 180 माइनस 100 डिग्री। एंगल बीसीडी ये डिग्री हो गया। चलिए इसके बाद की बात देखो अलग। यहां तक तुम्हें समझ आ गया? अब हम ये बताएंगे इसमें ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी तो ए बी के अपोजिट ये एंगल कौन सा हुआ? एंगल बी सी है और बी सी के अपोजिट क्या हुआ? एंगल बी ए सी। तो बी सी ए कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ क्या लिखे हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। और एंगल बी सी डी मानसी एंगल बी सी डी किनके किनके सम के इक्वल है? बी सी डी। तुम्हारा भी ध्यान अभी भी बाहर है जो दोस्तों को छोड़ के आए। तुम क्लास में नहीं हो, तुम और कहीं हो। छोटी छोटी बात नहीं। हाँ जस्मिता, बी सी डी किनके किनके सम के इक्वल है? That is angle BCA plus ACB. ACB. Value place करो जस्मिता। पूरी value place करो। आयुषी। Okay. मान्या। ये भी तो पता है। इसकी वैल्यू लोग नहीं कर रहे। 80 डिग्री इट इज इक्वल टू प्लस एसीडी को क्या ईसीडी लिखा जा सकता है? क्योंकि एसीडी जो है वही तो ईसीडी है। तो ईसीडी कितना हो गया? सही है। ओके नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर द डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो जो डायगोनल्स है वो डायमीटर है तो प्रूव करो ये रेक्टेंगल है तो इसे रेक्टेंगल ही बना लो। और ये बात कही गई है कि इसके डायगोनल्स डायमीटर है ओ इसका सेंटर। अगर दोनों डायमीटर है तो दोनों सेंटर से पास होंगे तो सेंटर कॉमन होना चाहिए। यस सर। तो ए बी सी डी गिवन क्या है? ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। हमें प्रूव करना है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप क्या करना चाहोगे? ऑल एंगल्स। हाँ बोलो सर। अपोजिट साइड इक्वल और एक एंगल 90। ऑल एंगल्स 90 कर दो तो भी रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑल एंगल्स क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स 90 हो जाने से रेक्टेंगल हो जाएगा। हम वही प्रूव करेंगे। सही है। तो देखो टू प्रूव ए बी सी डी इज रेक्टेंगल प्रूफ देखो। हाँ एंगल ए क्यों 90 डिग्री है निष्का? हाँ एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या बोलोगी? तो दैट इज एंगल बी। एंगल देखो बी ए डी ये कितना हो गया? क्योंकि ये तो डायमीटर है ना और ये सेमी सर्कल है तो क्या लिखोगी? 90 डिग्री।
एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल बी सी डी क्यों 90 है, ये क्यों 90 है, एंगल इन सेमी सर्कल ये बताओ ये क्यों 90 है, क्योंकि ये चीज ये भी तो एक डायमीटर है तो ये भी 90 हो गया, तो एंगल ए डी सी भी 90, एंगल इन सेमी सर्कल और एंगल ए डी सी क्यों 90 है, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल एज ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल हो सकता है तुम ऐसे स्क्वायर मत करो, क्योंकि ये देखो ऐसे भी कोई बना लेगा कहेगा देखो मेरे दो, उसको जाना ही पड़ेगा डायगोनल से, जाना नहीं पड़ेगा तो क्यों, क्योंकि ये 90 है ये 90 ये भी 90 ये इसकी वजह से 90 है, स्क्वायर होना जरूरी नहीं, स्क्वायर इसका एक केस हो सकता है लेकिन जरूरी, तो इसलिए सो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। आगे देखिए नाउ एट क्वेश्चन देखो, एट क्वेश्चन क्या है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, एक ट्रेपेजियम लो और ये बोला गया है इसके नॉन पैरेलल साइड्स, ये है नॉन पैरेलल साइड्स, ये इक्वल है ए बी सी डी गिवन है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, AD is equals to BC. Now to prove, मैं क्या प्रूव करना चाहते हो, ए बी सी डी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, वो मैं ने ठीक बोला था कि ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल, या तुम्हें ये प्रूव करना है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज वन, सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 या वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स सम सब टू 180 ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, सही है, इन दोनों किन्हीं दो का सम हम 180 डिग्री प्रूफ करना, ठीक है, प्रूफ देखो, तो निष्कर्ष क्या किया जाए, हाँ सही बताए आप ही बोलो, हिंट तो उन्होंने दे दिया, आप बोलो आयुष, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, हाँ draw a perpendicular to, वो पिछला ही एक्सरसाइज का सवाल है आयुष ने बोले, वही निष्ठा भी बोल रहे थे कि सर इनमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये पिछली एक्सरसाइज का सवाल है, इसे AM और AM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC और BN परपेंडिकुलर टू DC, इतनी बात हो गई, अब हमें लक्षिता इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, सो इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एम सी प्रूफ करो लक्षिता, ए डी इज इक्वल टू बी सी ये गिवन है, और बोलो सर एंगल ए एम डी इक्वल टू एंगल बी एम सी, ए एम डी इट इज इक्वल टू एंगल बी एम सी ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, और बोलिए
it is BN. That is the perpendicular distance between parallel lines. Perpendicular, ये सिर्फ distance भी लिख सकते हो, perpendicular distance, distance between parallel lines. हाँ, criteria लगाइए. Right angle, hypotenuse or one side by RHS congruency. Triangle AMD is congruent to triangle BNC. By CPCT Harshita. Palak by CPCT. Ayush. Sir, angle D is equal to angle C. Angle D is equal to angle C. यहाँ तक तो इन्होंने बात कर दी. अब आगे देखो. एक और सीपीसीटी लगाओ आयुष. और कोई सीपीसीटी लगानी है? एंड डी ए एम वो किसका इक्वल है? सी बी एन. डी ए एम किसका इक्वल है? ये सही है. और दोनों में 90 जोड़ दो, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 होगा और ये भी 90, तो दोनों में 90 जोड़ो. एडिंग इक्वल टू बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा? डी ए एम में 90 जोड़ो, डी ए एम में 90 जोड़ो. डी ए बी एंगल ए पूरा बोल सकते हो, और उसे क्या बोल सकते हो? एंगल. यहां तक समझ आ गया? अब मुझे बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये तो 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया कोऑर्डिनेटर की. अच्छा, ए तो ए है, लेकिन बी क्या है? ए तो ए है, लेकिन बी क्या है? बी भी ए है. सी तो सी है, लेकिन डी क्या है? डी भी सी है. सही है. तो क्या ये टू एंगल ए हो गया और टू एंगल सी हो गया? यदि टू कॉमन ले लिया जाए तो बताइए एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हुआ? आगे क्या करेंगे निष्का? हाँ, दीज आर इफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट इज साइक्लिक. यस, इतना ना भी लिखना चाहो, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सप्लीमेंट्री तो हो ही गया, सो इट इज साइक्लिक. बट दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो ए बी सी डी इज साइक्लिक. क्वेश्चन नंबर 8 करो, 7th करो और 6th करो. 6 7th करो. जैसा बुक में किया, देखो भी हमने एक नया तरीका बताया. उन्हें यहाँ पर एडी के पैरेलल यहाँ ले लो, क्या ड्रॉ किया बताओ? ये बुक का मेथड है. और अगर हमने ये ले लिया तो ये ई ले लो. सही है. अच्छा, ये तो इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तुमने ड्रॉ किया ना, तो आपने क्या ड्रॉ किया बताओ?
ड्रॉ सी पैरेलल टू, किसके पैरेलल ड्रॉ किया बोलो, नहीं सी पैरेलल टू एडी, तो जब ये इसके पैरेलल, ये तो था ही पैरेलल, तो क्या ही पैरेललोग्राम हो गया। इससे क्या पता चलता है, ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम। हर्षिता ये बात समझ में आई, ये तो इसके पैरेलल ही पहले से ही था, इतनी बात ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर पैरेललोग्राम है तो क्या ये इसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट, लेकिन ये तो इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल इक्वल होती हैं, और ये इसके इक्वल गिवन, सही। अब देखो ये अगर इसके इक्वल गिवन है तो मुझे बताओ, यदि ये एक्स हुआ तो क्या ये भी एक्स होगा, होगा सही। सो दीज आर एक्स, ये कितना होगा, बहुत अच्छी बात करती हो, 180 डिग्री माइनस एक्स, ये बात समझ आ गई, ये 180 डिग्री माइनस एक्स हो गया। अब जरा देखिए यहां तक की बात हो गई, ये बताओ ये एक्स है, हर्षिता मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एक्स है तो ये क्या हुआ, ये पता नहीं चल पा रहा मुझे, कोई बता नहीं, एक्स ही होगा, एक्स ही होगा, क्या अपोजिट एंगल एक्स सेम होते हैं, तो तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनका और इनका सम 180 है इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, फिर समझ में आया कि नहीं, देखो फिर समझो, यहां तक तुम्हें कंस्ट्रक्शन समझ में आया, कंस्ट्रक्शन इसको इसके पहले वो कर लिया, आगे की बात देखिए क्या करेंगे बताइए, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया, आगे देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ कि AD किसके इक्वल हुआ, CE के, AD किसके इक्वल हुआ, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AD BC के क्यों इक्वल हुआ, गिवन, तो इन ट्रायंगल BCE, BC क्या हो गया बोलो, ट्रायंगल BCE इज आइसोसेलीस ट्रायंगल, इतनी बात समझ आ गई, ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो दोनों को ले लो एक्स एक्स, ये एक्स लोगे तो अपने मन से कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लीनियर पेयर लगा के इसको क्या लिख लोगे, 180 माइनस एक्स, सही है। अब देखो कुछ लोग इसे नहीं करते, कहते सर हम 180 नहीं कर पाते, ये हमें आता नहीं है, इसे 1 लेंगे, इसे 2 लेंगे, इसे 3 लेंगे और इसे, सही है, ऐसा भी तो कर सकते हो, तुम बस मुझे ये बताओ कि 2 प्लस 3 क्या है, ओके 2 प्लस 3 180 है, और ये मुझे बताओ कि 2 की जगह तुम क्या 1 रख सकते हो, टू की जगह क्या रख सकते हो, और अब ये देखो 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, 1 किसके इक्वल है, 4 क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, 1 2 के क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलीस ट्रायंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलीस ट्रायंगल्स, कितनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो यहां पर तुमको 3 दिया है, 3 की जगह क्या रख सकते हो, 1 4 के इक्वल है और 1 किसके इक्वल है, 2 के भी इक्वल है, तो हम 3 तो 3 है, 2 को बदलेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए आप, 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह 4, क्योंकि 1 2 के इक्वल और 2 4 के इक्वल, सब इक्वल ही तो है, तो 2 की जगह क्या लिख रहे हैं, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया, 180 डिग्री, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक्स एक्स 180 और एक्स करके कर सकते, ये ज्यादा ठीक। अब आपको सवाल कौन से करने हैं, दैट इज 6 7 8,
अच्छा करिए मानसी जब तक मैं समझ जाते हैं पैसा नहीं दिए ऑफिस के कहाँ जा रहा हूँ आ रही तो उसको कल बुलाएंगे आ ही रही